अलाउद्दीन के कारावास में राघव चेतन से मिलने के बाद उस दिन के बारे में सोचने लगे जब वो अपने किले में अपना युद्ध का अभ्यास कर रहे थे कि तभी उनका तोता हीरामन वहां आया। वो घनी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, वो घनी सुंदर है। अरे हीरामन, कायू हो गए हो? कौन सुंदर लग गया हमारे हीरामन को? वो घनी सुंदर है, वो पद्मिनी है, बहुत सुंदर है। तभी वहां राजा के सलाहकार राघव चेतन आ गए और उन्होंने उनकी बात सुन ली। खम्मा घणी हुकुम, आज हीरा मन बहुत खुश लागे है। घणी खम्मा, पता नहीं कब से कह रहा है वो बहुत सुंदर है, पद्मिनी है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है। पद्मिनी? तो वो सच में है? हमें तो लगा था कि वो केवल कहानियों की एक कल्पना मात्र ही है। कौन पद्मिनी और कैसी कहानियां? आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं? भारत के दक्षिणी कोण से सटे समुद्र के आगे सिलोन नाम का एक द्वीप है हुकुम, जो कि एक समय रावण की लंका हुआ करती थी। आज वही स्थान विश्व की सबसे सुंदर और तेजस्वी स्त्रियों का जन्मस्थल माना जाता है। ऐसा क्या खास है वहां की स्त्रियों में? अन्नदाता, सिलोन में जन्म लेने वाली स्त्रियां सर्वप्रथम तो अविश्वसनीय सौंदर्य और अद्वितीय बुद्धिमता की धनी होती हैं, और इसके साथ ही वे कई कलाओं में निपुण भी होती हैं। ऐसी नारी को अपनी अर्धांगिनी बनाना बड़े गौरव की बात होती है हुकुम। यदि ये इतनी ही अद्वितीय होती हैं, तो आज तक किसी भी राज्य में हमें ऐसी कोई रानी क्यों नहीं देखने को मिली? हुकुम, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और उस द्वीप के बीच एक विशाल समुद्र है जिसे पार कर पाना असंभव है, और यदि कोई उसे पार कर भी गया तो भी वहां जाकर पद्मिनी से विवाह करके उसे वापस यहां लाना इतना सरल नहीं है। पद्मिनी, पद्मिनी, रावल की रानी पद्मिनी। सही कहा प्यारे हीरामन, इतनी गुणवान और सुंदर स्त्री को तो चित्तौड़ की रानी होनी ही चाहिए। हम कल ही निकलेंगे सिलोन के लिए। क्षमा कीजिए हुकुम, परंतु ये आप क्या कह रहे हैं? आपका वहां जाना स्वयं संकट को आमंत्रण देने से कम नहीं है, और जब आप यहां नहीं होंगे तब राज्य की देखभाल कौन करेगा? संकट से ना डरना तो राजपूत का पहला लक्षण है ना गुरुवर, और रही बात राज्य को संभालने की, तो हमारे पीछे आप जैसे योग्य और गोरा बादल जैसे वीर सेनापति है। परंतु हुकुम, बिना राजा की प्रजा उस अनाथ बालक की तरह होती है जो अपने माता पिता को खो चुका है, और ना अब उसकी रक्षा करने के लिए कोई है और न ही उसका पालन पोषण करने के लिए। गुरुवर, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के होते हुए चित्तौड़ की ओर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। रतन सिंह चंद सैनिकों की टुकड़ी लेकर पद्मिनी की खोज में सिलोन की ओर निकल गए, और बड़ी ही वीरता के साथ उन्होंने उस समुद्र को भी पार कर लिया जिस समुद्र से बड़े बड़े राजा भयभीत थे। वहां जाकर उन्होंने कई दिनों तक पद्मिनी की खोज की, और एक दिन उनकी ये खोज पूरी हुई। कौन हो तुम और यहां कैसे आए? क्या तुम दुश्मन देश? यदि तुम यहां कुछ लूटपाट करने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर देना चाहती हूं कि यहां से लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा रतन सिंह की पद्मावती से हुई मुलाकात के बाद वो उनकी सुंदरता को देखकर जैसे उन पर मोहित से हो गए थे। हालांकि राजा रतन सिंह पहले से ही विवाहित थे, लेकिन उस समय किसी भी राजा की एक से ज्यादा रानियां होना बहुत आम बात हुआ करती थी। हम रतन सिंह हैं, चित्तौड़ के राजा। हम यहां एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। हम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, और ना ही हमें कोई लूटपाट करनी है। तुम राजा लगते तो नहीं, और एक राजा भला यहां क्यों आएगा, वो भी चित्तौड़ से? तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम पद्मिनी हो? हाँ, हम पद्मिनी हैं, और हम ही नहीं, सिलोन में जन्म लेने वाली हर स्त्री पद्मिनी है। हम यहाँ के राजा गोवर्धन की बेटी हैं, और हमारा नाम पद्मावती है। तुम हमें अपने यहाँ आने का कारण बताओ,
या फिर हमारे तीरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमने सुना है कि यहाँ की पद्मिनी बहुत ही सुंदर और गुणवान होती हैं, और आज हमने वो देख भी लिया। पद्मिनी कोई एक महिला नहीं है, ये एक उपाधि है जो यहाँ की हर स्त्री को उनकी सुंदरता और कौशल के कारण दी जाती है। अति सुंदर, लगता है हमारी खोज पूरी हुई। हम आपसे विवाह कर आपको चित्तौड़ की रानी बनाना चाहते हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? यदि आपको हमसे विवाह करना है तो आपको हमारे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। अवश्य, कृपा करके आप हमें उनके पास लेकर चलिए। रतन सिंह सिलोन के राजा गोवर्धन के दरबार में पहुंचे। खम्मा घड़ी, हम चित्तौड़ के राजा रतन सिंह हैं, और हम यहाँ पर आपकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी को आप जैसा योग्य वर मिले। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। रतन सिंह और पद्मावती ने सिलोन की परंपराओं के अनुसार गंधर्व विवाह किया, और विवाह के अगले दिन ही वे दोनों वापस चित्तौड़ के लिए निकल गए। जितनी शांति और सुकून के साथ वे दोनों चित्तौड़ की ओर अपना रास्ता तय कर रहे थे, वर्तमान में उतनी ही चिंतित अवस्था में पद्मावती ने गौरा के हाथों पड़ोसी राजाओं को रतन सिंह को मुक्त करवाने के लिए सहायता के संदेश भेजे। ये लीजिए गौरा सिंह जी, इन सभी संदेश पत्रों पर हमने अपना चिन्ह लगा दिया है। आप सभी राजाओं से जाकर कहिएगा कि ये संदेश उन्हें रानी पद्मावती की ओर से आया है। जैसी आपकी आज्ञा रानी साहब। गौरा सिंह जी, स्मरण रहे कि हमारे पास समय बहुत कम है और हम सहायता मांगने जा रहे हैं, हमें कोई नए शत्रु नहीं चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हुकुम। आपने जो आदेश दिया है उसकी पूरी निष्ठा के साथ पालन करेगा ये गौरा। सेनापति गौरा बिना समय गंवाए अपने सैनिकों के साथ रानी पद्मावती के दिए हुए संदेश लेकर तेज रफ्तार से अलग अलग राज्यों की ओर सहायता का संदेश पहुंचाने के लिए निकल पड़े। क्या सेनापति गौरा राजाओं तक संदेश पहुंचाने में सफल हुए? आखिर रतन सिंह कब तक खिलजी की कैद में रहे? क्या रतन सिंह वहां से जिंदा लौट भी पाए या नहीं? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM। एक तरफ सेनापति गौरा,